बॉलीवुड में एंट्री ली विद अ बैंग, मगर दूसरी ही फिल्म टैंक्ड एट द बॉक्स ऑफिस। आइए देखते हैं फरहान कैसे आए बैक इन द गेम। नंबर 10, फरहान ने अपना कमबैक किया विद अ रीमेक ऑफ अमिताभ बच्चन स्टारर डॉन फीचरिंग शाहरुख खान और फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट बनी। नंबर 9, इंटरेस्टिंगली फरहान और जोया ने कोलैबोरेट किया था टू राइट द इंग्लिश लिरिक्स ऑफ गुरिंदर चड्डा हॉलीवुड फिल्म प्राइड एंड प्रेजुडिस। नंबर 8, नॉट मेनी नो फरहान को ऑफर हुई थी द फेमस ब्लॉकबस्टर रंग दे बसंती, पर उन्होंने ये फिल्म रिजेक्ट कर दी। नंबर 7, फरहान एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इतना ही नहीं, 2012 में फरहान ने लॉन्च किया मर्द कैंपेन टू फाइट अगेंस्ट रेप एंड डिस्क्रिमिनेशन। नंबर 6, 2008 में फरहान ने किया अपना बॉलीवुड डेब्यू एज अ लीड इन एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन रॉक ऑन। फिल्म ने जीता नेशनल अवार्ड और फरहान ने जीता फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड। नंबर 5, भाग मिल्खा भाग मानी जाती है फरहान की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस, और उसके लिए फरहान ने फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड भी जीता। नंबर 4, बहुत कम लोग जानते हैं कि फरहान हैज कजिन्स इन बी टाउन। फराह खान और साजिद खान फरहान के फर्स्ट कजिन्स हैं। नंबर 3, नॉट मेनी नो फरहान है क्वाइट ऑब्सेस्ड विद क्लेनलीनेस और सफर करते हैं फ्रॉम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। फरहान आल्सो कन्फेस्ड कि उन्हें कॉकरोच फोबिया है। नंबर 2, अनफॉर्चुनेटली फरहान और अधूना की 16 साल की शादी 2016 में टूट गई एंड द कपल गॉट डिवोर्स्ड। नंबर 1, फरहान के डिवोर्स के रीजन उनके लिंकअप रूमर्स को बताया गया। फरहान और श्रद्धा कपूर के डेटिंग रूमर्स मेड हेडलाइंस फॉर क्वाइट सम टाइम, बट दोनों ने इस रिलेशन को जस्ट गुड फ्रेंड्स का नाम दिया। एक्टर, सिंगर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फरहान ने अपना मेटल प्रूव किया इन एवरी स्फीयर, और वो कहलाते हैं पोस्टर बॉय फॉर एवरीथिंग अनकन्वेंशनल इन बॉलीवुड। वी विश हिम लॉट्स ऑफ लव।